जी, आज से हम ह्यूमन ज्योग्राफी के टॉपिक शुरू कर रहे हैं, और ह्यूमन ज्योग्राफी जो पेपर टू है पीएमएस में, इसमें सबसे पहला जो टॉपिक, जो सबसे बेसिक टॉपिक बनता है, वो मैन एनवायरनमेंट रिलेशनशिप का टॉपिक है। इसमें हम नेचुरल एनवायरनमेंट या फिजिकल एनवायरनमेंट का जो रिलेशन ह्यूमन साइड या मैनकाइंड के साथ बनता है, उसको हम स्टडी करते हैं। और इसके दो मेन आइडियाज़ हैं, एक एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और दूसरा पॉसिबिलिज्म है, जिसको आज हमने स्टडी करना है। सो एनवायरमेंट को हम बेसिकली डिफाइन करते हैं एनीथिंग दैट इज सराउंडिंग अस इज आवर एनवायरमेंट। और इसके दो एस्पेक्ट्स हैं, एक फिजिकल एनवायरमेंट और एक सोशल एनवायरमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट में एटमोसफेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, यानी कि जो हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जो हमारे ग्राउंड सरफेस की कंडीशंस हैं, कि आदर वी आर रेजिडेंट ऑफ प्लेन एरिया और माउंटेनस एरिया। और उसके साथ सोशल एनवायरनमेंट को अगर हम बात करें तो दैट रेफर्स टू कल्चर एंड द सोसाइटी, कि जो नॉर्म्स और वैल्यूज हमारी सोसाइटी हम पे इम्प्लीमेंट करती है, जो लॉज हैं, वो सब के सब सोशल एनवायरनमेंट का पार्ट कंसिडर होते हैं। सो रिलेशनशिप्स में आप, चूंकि दो वेरिएबल्स आप ले रहे हैं, एक नेचर है जिसको हम फिजिकल एनवायरनमेंट कहें, और दूसरी तरफ से मैनकाइंड है जो कि ह्यूमन बीइंग्स को रेफर करेगी। सो इसमें हम ये देखते हैं कि इफ़ द नेचर और द फिजिकल एनवायरनमेंट इज कंसिडर्ड एज द मास्टर एंड मैन इज कंसिडर्ड एज द स्लेव और प्रोडक्ट ऑफ नेचर, सो इस आइडिया को कहा जाता है एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, दैट द फिजिकल एनवायरनमेंट और द फिजिकल कंडीशंस डिटरमिन द ह्यूमन एक्टिविटीज। इसके हवाले से इसमें जो नाम आते हैं उसमें एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म भी इस आइडिया को कहा जाता है, और एनवायरमेंट फिजिकल डिटर्मिनिज्म की टर्म भी यूज होती है। दूसरी साइड पे अगर इसके बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशनशिप देखा जाए, मैन एज अ मास्टर एंड नेचर एज स्लेव, तो इसको कल्चरल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। लेकिन हमें कहीं पे भी ऐसी कोई एक्टिविटी नज़र नहीं आती जिसमें इंसान की फ्री विल शामिल हो और ही हैज़ डन समथिंग बियॉन्ड द लॉज ऑफ नेचर, तो वो भी पॉसिबल नहीं हुआ, और इस वजह से इसकी कोई लिविंग एग्जांपल आपको नज़र नहीं आती कल्चरल डिटर्मिनिज्म की। सिर्फ एक रिलेशनशिप के आइडिया के तौर पे इसको लिया जाता है। तीसरी अप्रोच जो है, दैट इज नेचर का भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है और मैनकाइंड का भी है, और इसमें नेचर जो है वो अपॉर्चुनिटीज और पॉसिबिलिटीज प्रोवाइड करती है, और मैनकाइंड या ह्यूमंस जो हैं वो अपनी चॉइसेस के मुताबिक उन पॉसिबिलिटीज को अचीव करते हैं, अवेल करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। सो इट इज़ द विल ऑफ द मैन के वो, या चॉइस ऑफ द मैनकाइंड के वो कौन से प्रायर किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करते हैं, किसको वो प्रेफर करते हैं इन देयर चॉइसेस गिवन बाय द नेचर। सो एक म्यूचुअल रिलेशनशिप पॉसिबिलिज्म की सूरत में नज़र आता है, कि जिसमें नेचर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रही है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब हम बात करते हैं कि हमारे पास एक रिसोर्स है जैसे पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम का यूज़ जो है वो आज से 5,000 साल पहले से होता आ रहा है। कि अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा को स्टडी करते हैं या मोहनजोदड़ो को स्टडी करते हैं, तो वहाँ पे भी क्रूड ऑयल जो है वो, उसका जो बिटमन पार्ट है, दैट वॉज बींग यूज इन कंस्ट्रक्शन एज अ सीलेंट। के जहाँ पे भी आपने उसका ड्रेन्स वगैरह को देखते हैं, तो वहाँ पे वाटर प्रूफिंग के लिए बिटमन को यूज़ किया गया, दैट इज़ द पेट्रोलियम और द क्रूड ऑयल। और इसी तरह से ग्रीक्स जो हैं वो इसको यूज़ करते हैं मेडिसिनल पॉइंट ऑफ व्यू से और बर्निंग के हवाले से, ठीक है, और कंस्ट्रक्शन में भी यूज़ जो है वो ग्रीक्स में नज़र आता है। लेकिन उस वक्त के दौर में, मतलब ग्रीक्स के टाइम, यानी आज से कुछ 2,500 साल पहले या 2,000 साल पहले भी, इस एक रिसोर्स के अंदर सिर्फ ये दो या तीन पॉसिबिलिटीज इंसान आइडेंटिफाई कर सका था। सो इट डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड नॉलेज एज वेल। सो आज अगर हम उसी पेट्रोलियम के रिसोर्स को देखें, तो उसमें बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं आपके पास, कि इसी से हमने डिटर्जेंट्स बना लिए, पूरे पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री का सेटअप जो है वो इसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। और उसमें आप देख सकते हैं कि जैसे डिटर्जेंट्स हैं, पेंट्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, प्लास्टिक्स हैं, तो ये सब कुछ जो है ये उसी से डिराइव है। सो सिंथेटिक मटेरियल्स और जो मटेरियल्स जो है वो बाद में सिंथेटिक रबर्स को देखने हैं, जैसे नेचुरल रबर के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो गई। सो ये सारी पॉसिबिलिटीज उस वक्त भी थी
जब इंसान सिर्फ पेट्रोलियम को बर्निंग के लिए और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ कर रहा था, लेकिन अब इंसान के नॉलेज और विजडम और जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है उसकी बेस के ऊपर उसने ये पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा नज़र आई हैं और वो उसने अचीव भी की हैं। ठीक है, सो एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म की तरफ आ जाए, नेचर एज अ मास्टर एंड मैनकाइंड एज स्लेव, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म कहलाता है। द फिजिकल एनवायरमेंट डिटर्मिन्स द एक्शंस ऑफ मैन, और इसमें अगर हम स्कॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यूज की बात करें, आइडियाज़ ऑफ स्कॉलर्स की बात करें, तो सबसे पहला नाम जो है वो इसमें अरिस्टोटल का आता है। और अरिस्टोटल जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस को रिलेट करता है विद द गवर्नमेंट एंड द स्लेवरी एंड बीइंग अ रूलर। सो यहाँ पे वो मेंशन कर रहा है कि कोल्ड क्लाइमेट, एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट के लोग जो है वो उनके हवाले से वो बात करता है कि दे कैन नॉट have a political organization and are incapable of ruling over others. Dusri taraf natives of Asia ki baat karta hai ki they are intelligent and inventive but they are wanting in spirit and therefore they are always in state of subjection and slavery. So extremely hot areas ke area jo residents hain usko Aristotle jo hai wo refer karta hai ki they are born slaves. So yahan pe Hellenic race ki wo baat karta hai, यानी कि ये जो आप कह सकते हैं मेडिट्रेनियन रीजन है, सच एज ये आपका ग्रीस का एरिया है या रोमन साइड है या दूसरी तरफ टर्किश एरिया है, इस एरिया को वो रिलेट करता है कि यहाँ पर मॉडरेट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं। सो इन जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं वो इंटेलिजेंट भी हैं और हाई स्पिरिटेड भी हैं एंड दे फॉर्म द गुड रूलर्स। सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अरिस्टोटल अबाउट द क्लाइमेटिक कंडीशंस, और उन कंडीशंस के मुताबिक इंसान का जो बिहेवियर है और जो उसके मुताबिक उसकी गवर्नमेंट की फॉर्म है उसको वो रिलेट करता है। आइडियाज़ ऑफ स्कॉलर्स में इब्न खल्दून की बात करें तो ही डिस्कसेस वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बट इसमें क्रक्स जो आपको इस डिटर्मिनिज्म के हवाले से नज़र आता है वो ये कहता है कि डेजर्ट नोमैड्स आर द मोस्ट प्रिमिटिव एंड प्योरेस्ट and the sedentary city dweller is dependent on luxuries and becomes morally soft. So Ibn Khaldun ke mutabik jo urban area ka resident hai wo corruption ki taraf uski tendency zyada hai, aur agar hum isko study karte hain to hum ye keh sakte hain ki nomads jo hain wo bahut zyada effort ke baad apni basic needs ko fulfill kar pa rahe hote hain, the need of water, the need of food and the clothing, और उन बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट पे ही उसमें कंटेंटमेंट आपको नज़र आएगी। वेयर एज इन अर्बन एरियाज आप देखते हैं लोग एक दूसरे के साथ कंपैरिजंस करते हैं, एक दूसरे के साथ कंपटीशन में आते हैं और दे हैव एक्चुअली फुलफिल्ड देयर बेसिक नीड्स, तो दे हैव अ टेंडेंसी टू फॉल फॉर देयर डिज़ायर्स, और डिज़ायर्स जो हैं वो अनलिमिटेड होती हैं जिसकी वजह से दे एक्चुअली इन्वॉल्व इन करप्शन। सो इस हवाले से इब्न खल्दून का पॉइंट ऑफ व्यू अल-मुकद्दमा में जो उसने मेंशन किया उसमें उसने नोमैड्स को सिटी ड्वेलर्स के साथ कंपेयर किया। आइडियाज ऑफ स्कॉलर्स में एलन चर्चिल सैंपल का नाम भी आता है एज ए सपोर्टर ऑफ पॉसिबल डिटर्मिनिज्म, फिजिकल डिटर्मिनिज्म, और उसमें वो मेंशन करती है मतलब चाहे वो इंसानों की फिजियोलॉजी हो यानी कि उसकी जो जो कि डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है एवोल्यूशन को, कि यहाँ पे वो मेंशन करती है ऑन द माउंटेन शी हैज़ गिवन हिम द लेग, नेचर हैज़ गिवन हिम द लेग मसल्स ऑफ आयरन टू क्लाइम द स्लोप, अलोंग द कोर्स शी हैज़ लेफ्ट दीज वीक एंड फ्लैबी बट गिवन हिम इंस्टेड विगरस डेवलपमेंट ऑफ चेस्ट एंड आर्म टू हैंडल दिस पैडल और ओर। सो जहाँ जहाँ पे जिस तरह के लोग रहते हैं उनकी बॉडी स्ट्रक्चर उसके मुताबिक अडॉप्ट होता है, ये चीज़ हम आगे डिटेल में भी कुछ देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ यहाँ पे उसने डाइटीज़ के हवाले से भी बात की है, रिलीजन के हवाले से भी बात की है कि आमतौर पे जो मोनोथिस्टिक रिलीजन्स हैं वो ज़्यादातर ओपन स्काई एरियाज में है जहाँ पे डेजर्ट टाइप और पास्चर टाइप एरियाज हैं, लेकिन जहाँ पे आप देखते हैं कोई फॉरेस्ट कवर्ड एरिया है वहाँ पे आपको ज़्यादातर जो है वो एथिस्टिक या पोलिथिस्टिक रिलीजन्स नज़र आते हैं। ठीक है, राधर पोलिथिस्टिक रिलीजन्स आपको ज़्यादा नज़र आएंगे, लेकिन एलन चर्चिल सैंपल का काम जो है वो आपको
चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशंस पे भी नज़र आता है कि जिस तरह से कोस्टल एरियाज के जो रेजिडेंट्स हैं दे बिकम द फिशरमैन, द पीपल लिविंग इन फर्टाइल लैंड्स अलॉन्ग द रिवर वैलीज दे बिकम द फार्मर्स, एंड द माउंटेनस एरियाज पीपल बिकम द माइनर्स एंड फॉरेस्ट और वुड कटर्स। ठीक है, तो उस हवाले से जो चॉइसेस ऑफ ऑक्यूपेशन हैं वो भी एलिटरेचर सैंपल जो है उसको रिलेट करती है विद द क्लाइमेटिक कंडीशंस एंड द फिजिकल एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर हम एक ट्रू पिक्चर देख सकते हैं कि दिस इज़ द नाइट व्यू ऑफ द वर्ल्ड, और इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये जो वाइट कलर है ये नाइट व्यू है, तो इसमें ये लाइट्स नज़र आ रही हैं कि कहाँ कहाँ पे आबादी, ह्यूमन पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो उसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ क्लाइमेटिक और जोग्राफिकल कंडीशंस में बहुत सारे वेकेंट एरियाज पड़े हैं। जैसे यहाँ पे आपको सहारा डेजर्ट नज़र आ रहा है, ये आपको साइबेरियन रीजन नज़र आ रहा है, ये तिब्बतन और चाइनीज डेजर्ट टाइप एरिया भी नज़र आ रहा है, और इधर आपको ऑस्ट्रेलिया का डेजर्ट टाइप एरिया नज़र आ रहा है। फिर बहुत कोल्डर इन्वायरमेंट्स में अगर हम बात करें तो यहाँ पे ग्रीनलैंड और नॉर्दर्न कनाडा में आपको पॉपुलेशन ना होने के बराबर मिल रही है। सो जो चॉइसेस हैं कि इंसान कहाँ पे रहेगा या कहाँ पे वो रिजाइड करना प्रेफर करेगा, दैट इज़ डिटरमिन्ड बाय द फिजिकल इन्वायरमेंट। ये जिस तरह से आप देख रहे हैं जंगल्स में या अमेजोन में आपको पॉपुलेशन नज़र नहीं आ रही, आपको सेंट्रल अफ्रीका में पॉपुलेशन नज़र नहीं आ रही, आपको अरेबियन साइड पे नज़र नहीं आ रही, एंड सो ऑन। डेजर्ट टाइप एरियाज हैं, एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस हो, हॉट वेट ड्राई चारों एक्सट्रीमिटीज़ अगर हम बात करें डिफरेंट कंडीशंस में, तो आपको ये नज़र आएगा कि ह्यूमन पॉपुलेशन जो है वो हमेशा उस एरिया को प्रेफर करती हुई नज़र आएगी जहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशंस जो है वो सूटेबल हो, जहाँ पे फिजियोलॉजिकल कंडीशन सूटेबल हो, मतलब फिजियोग्राफी सूटेबल हो। प्लेन एरियाज में आपको यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन नज़र आ रही है, माउंटेनस एरियाज पे आपको कम पॉपुलेशन नज़र आ रही है। ओके, इसी से आगे अब चलते हैं पीपल अराउंड द वर्ल्ड, कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप देखिए कि तुआरेग्स हैं, ये नॉर्दर्न अफ्रीका के डेजर्ट टाइप एरिया के डवेलर्स हैं, तो उनकी लाइफ, उन्होंने अपनी जो लाइफ अडॉप्ट की है वो इसी के मुताबिक है जो कंडीशन प्रिवेल कर रही है। यूजली दे आर एक्टिव इन नाइट टाइम और ड्यूरिंग द लेस इंटेंस सनी आवर्स, और इस इनके अगर आप देखते हैं यहाँ पे शेल्टर टाइप, तो ये सिर्फ एक ओपन टेंट में रहते हैं क्योंकि वेंटिलेशन हो, हवा का गुजर हो, गर्म इलाका है। पिगमीज जो हैं ये अफ्रीका के शॉर्ट स्टेचर्ड नीग्रोज हैं जो कि जंगल टाइप एरियाज में रहते हैं, और जहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी और हीट की वजह से बॉडी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पाती। ठीक है, सो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि बिकॉज ऑफ रिपीटेड फ्लडिंग इन इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट दे बिल्ड द ट्री हाउसेस। सो वो घरों की जो है वो एलिवेशन पे उनकी कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो यहाँ पे आप नेक्स्ट देखते हैं जैसे शेरपाज हैं जो कि नेपाल और ये हिमालयन बेल्ट में माउंटेनियर्स को सपोर्ट भी करते हैं एज पोर्टर्स। दे हैव शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग लेग्स, जैसे एलन चर्चिल सैंपल ने भी कहा। दे हैव लार्जर लंग्स टू अकोमोडेट मोर ऑक्सीजन, दे हैव मोर एचबी लेवल इन देयर ब्लड, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल ज़्यादा होता है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी है उस एनवायरमेंट में, तो अकॉर्डिंगली दे एक्चुअली एब्जॉर्ब मोर ऑक्सीजन थ्रू हायर एचबी एंड दे इनहेल मोर एयर इन देयर लंग्स इन फॉर्म ऑफ लार्जर लंग्स। ठीक है, यहाँ पे अब नेक्स्ट देखते हैं इनुइट्स हैं जिनको एस्किमोस भी कहा जाता है, कनाडा के नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ पोल के एरियाज की तरफ के रेजिडेंट्स हैं। दे लिव इन एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस, अकॉर्डिंगली आप उनकी ड्रेसिंग को भी देख रहे हैं, लाइफस्टाइल को भी देखेंगे तो उनका जो फूड पैटर्न है उसमें ज़्यादातर वेजिटेटिव पार्ट मिसिंग है, कार्बोहाइड्रेट्स मिसिंग है। आमतौर पर वो प्रोटीन्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं क्योंकि दे आर हंटर्स, सो दे हैव लार्जर लिवर्स सो दैट द लिवर कैन ब्रेक द कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड प्रोवाइड द शुगर इन द ब्लड। ठीक है, और जहाँ पर शेल्टर की टाइप है तो वो आपको ये इग्लू नज़र आ रहा है जो कि आइस ब्लॉक से ये कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है, इसी तरह से हम अगर मसाई लोगों को देखें जो कि अफ्रीका के प्लेन एरियाज के लोग हैं, दे आर इन्वॉल्व इन हंटिंग, आप इनका स्टैचर देख सकते हैं, दे आर टॉलर पीपल एंड दे हैव लॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर लेग्स बिकॉज दे हैव टू रन, दे आर हंटर्स ऑफ द प्लेन एरियाज, सो दे हैव टू रन
or follow their hunt. So us hawale se they have stronger and longer legs for bigger strides. Aboriginals of Australia, they native hain Australian, aur inki bhi aap dekh sakte hain ki skin color jo hai, jaise aap negroes ki agar baat karte hain, ट्रॉपिकल एरियाज में आपको ज़्यादातर टैन स्किन और डार्क स्किन ह्यूमन रेसेस और एथनिक ग्रुप्स मिलेंगे, बिकॉज द इंटेंस सनलाइट और इंटेंस यूवी एक्सपोजर एक्चुअली कॉजेज द रिलीज ऑफ नेचुरल सन ब्लॉक विच इज़ कॉल्ड मेलानिन. सो मेलानिन की कंसंट्रेशन अगर स्किन में पिगमेंट की ज़्यादा हो तो उसे टैन स्किन नज़र आती है. सो ज़्यादातर ट्रॉपिकल एरियाज़ में जो आपको डार्क कलर की स्किन नज़र आती है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द मेलानिन, एंड दिस इज़ अ नेचुरल प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. सो दीज वर द एग्जाम्पल्स जो कि चार्ल्स डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सपोर्ट करती हैं, एलन चर्चिल के पॉइंट ऑफ व्यू को भी सपोर्ट करती हैं. अगर हम नेचुरली अभी आजकल के कंडीशंस में या ओवरऑल ओवरव्यू दें डिटर्मिनिज्म का, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म का, तो उस हवाले से एनवायरमेंट में जो चेंजेस अकर करते हैं उसमें लॉन्ग टर्म रेगुलर चेंजेस एनवायरमेंट के वो हैं कि जिसमें बिट बाय बिट जो है वो प्रोसेस परफॉर्म हो रहा होगा और प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू कर रहा होगा और बहुत लॉन्गर टाइम स्पैन के बाद उसका इफेक्ट नज़र आएगा. जैसे सिल्टेशन ऑफ डैम्स है या चेंज ऑफ रिवर कोर्स है, कि जैसे हम रावी रिवर को देखते हैं कि वो लाहौर में बिल्कुल दरियाए रावी जो है वो लाहौर फोर्ट के साथ बहता था, जहाँ पे अब आजकल मीनार पाकिस्तान है, लेकिन अब वो 4 किलोमीटर अपनी पोजीशन चेंज कर चुका है. और ये जो प्रोसेस हुआ 4 किलोमीटर शिफ्ट का, ये पिछले 400 साल में अकर हुआ है. सो 4 सेंचुरीज एक्चुअली टुक टू चेंज द रिवर कोर्स अप टू 4 किलोमीटर्स. क्लाइमेट चेंज भी इसमें आप देखते हैं कि जैसे हम मुख्तलिफ आइस एजेस की बात करते हैं, आजकल हम लास्ट 10,000 ईयर्स से होलोसीन ह्यूमैनिटी का पार्ट है, यानी कि होलोसीन जो टाइम स्टार्ट हुआ 10,000 साल पहले, ये एक वार्म एज को रिप्रेजेंट करता है. सो दीज आर द चेंजेस के हमारे फोर फादर्स ने जो है वो आइस एजेस एक्सपीरियंस की हुई है और हम जो है वो एक वार्म एज के रेजिडेंट्स हैं. शॉर्ट टर्म रेगुलर चेंजेस में हम सीजनल चेंजेस को ऑब्जर्व करते हैं. सीजन्स जो हैं वो हमारे डाइट पैटर्न को भी कंट्रोल करते हैं, हमारी डेली रूटीन को भी इफेक्ट करते हैं. समर्स में आप देखते हैं कि हम लोग ड्यूरिंग द डे टाइम ज़्यादा एक्टिव नहीं होते, हम शेल्टर्स के शेल्टर सीक कर रहे होते हैं. और इसी तरह से हमारे जो मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे आप समर्स में देखें बेवरेजेस, आइसक्रीम्स, एयर कंडीशनर्स और समर ड्रेसेस, कॉटन टाइप जो आपके मतलब फैब्रिक्स हैं उनकी डिमांड ज़्यादा होगी. और विंटर्स में जो है वो हॉट बेवरेजेस, हीटर्स, गीजर्स, उनकी मार्केट ज़्यादा जो है वो प्रिवेल कर रही होगी. सो अकॉर्डिंगली आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं और जो इंडस्ट्रीज हैं वो भी अकॉर्डिंग टू सीजनल कंडीशंस एंड चेंजेस अपनी जो सप्लाईज हैं उनको मैनेज करती हैं इन द मार्केट. रैपिड अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, जैसे साइक्लोन्स हैं, फ्लड्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, और उसमें हमें मदर नेचर या जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसकी डोमिनेंस ऑब्जर्व होती है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन मैनकाइंड. अब हम आ जाते हैं पॉसिबिलिज्म की तरफ, और इसमें पहला नाम जो आता है वो है विदाल दे ला ब्लाश का, एक फ्रेंच थिंकर है, और वो पॉसिबिलिटीज़ की बात करता है कि नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफर्स द अपॉर्चुनिटीज़ फॉर पीपल बट दे चूज़ टू बी पीपल अडेप्ट टू द डिफरेंट कंडीशंस द अर्थ हैज़ टू ऑफर एट डिफरेंट प्लेसेस एंड दैट इज़ हाउ डिफरेंट लिविंग कंडीशंस एंड हैबिटेट्स अराइज. हैबिट्स की बात वो करता है यहाँ पे. और पॉसिबिलिज्म में बेसिक बात वही है कि मॉडर्न मैन जो स्पीशी हम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं, दिस स्पीशी इज कॉल्ड होमो सेपियंस. सो होमो सेपियंस का जो मतलब है, सेपियंस का वर्ड रेफर करता है रीजनिंग को. सो दिस मैन हैज़ एक्चुअली द फैकल्टी ऑफ रीजनिंग. वी आर नॉट जस्ट फॉलोइंग आवर इंस्टिंक्ट, वी हैव द कैपेबिलिटी ऑफ थिंकिंग एंड मेकिंग डिसीजंस.
सो इस हवाले से इंसान की जो विल है वो भी इस रिलेशनशिप पे पार्ट है। सो दूसरा नाम जो आता है वो लूसियन फैब का नाम आता है। अगेन इट इज़ अ फ्रेंच स्कॉलर एंड हिस्टोरियन। देर इज ही सेज देर आर नो नेसेसिटीज बट एवरीवेयर पॉसिबिलिटीज एंड मैन एज द मास्टर ऑफ पॉसिबिलिटीज इज द जज ऑफ देयर यूज। सो इसमें जो आपको रिलेशनशिप नज़र आएगा पॉसिबिलिज्म में, उसमें आप यही देखेंगे कि इंसान को जो अपॉर्चुनिटीज मिली उसको उसने कहाँ कहाँ पे एवेल किया। अब जैसे हम लाइफ और हेल्थ की बात करते हैं, मेडिकल साइंस की बात करते हैं, तो पहले आप देखते हैं कि बहुत छोटी छोटी सी डिजीजेज हैं जिन जो पेंडेमिक की शक्ल ले लेती थी, और उसमें जो आपको डोमिनेंस नज़र आती थी वो नेचर की नज़र आती थी, जैसे कॉलरा है, जैसे बुबोनिक प्लेग है। 1348 में बुबोनिक प्लेग ने तकरीबन यूरोप की 75% पॉपुलेशन जो है वो इरेडिकेट कर दी थी। मलेरिया एक बड़ी पेंडेमिक के तौर पे अटैक किया करता था, लेकिन अब उसमें बहुत सारी डिजीजेज ऐसी हैं कि जिसमें हमने ये डेवलपमेंट देखी है कि वी कैन क्योर दोज डिजीजेज एंड वी हैव द वैक्सीन्स टू लेसन द से अकरेंस ऑफ दैट डिजीज। ठीक है, उसके साथ साथ जो आपके जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, जो डाइट पैटर्न्स हैं उसके मुताबिक, जो ह्यूमन लाइफ की लॉन्जिटिविटी है और जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो आपको नज़र आती है कि जो डेवलप कंट्रीज हैं, जो टेक्निकली और इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं, वहाँ पे आपको लॉन्गर लाइफ स्पैंस नज़र आएंगे, वहाँ पे आपको एजड पॉपुलेशन ज़्यादा नज़र आएगी। और जहाँ पे आपको जैसे हम कह सकते हैं कि वासिफ अली वासिफ का एक कॉल है कि कमज़ोर जिस्म के लिए हर मौसम खतरे का मौसम होता है, उसी तरह से कमज़ोर कौमों के लिए हर मौसम खतरे का मौसम होता है। कि जैसे पाकिस्तान में अभी फ्लड्स आ रहे हैं, इससे भी डेथ्स होनी है, सर्दियों में भी डेथ्स हो जाती हैं, गर्मियों में भी हो जाती हैं, और कोई नेचुरल डिजास्टर गॉड फॉरबिड अगर हिट करता है तो उसमें डेथ टॉल बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जहाँ पे टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ज़्यादा है, टेक्नोलॉजीज हैं। जैसे जापान है, वहाँ पे मेजर अर्थक्वेक्स भी उतना डेथ टॉल कॉज नहीं कर रहे होते। बल्कि फूड रिसोर्सेज की बात करें, एग्रीकल्चर के अंदर जो डेवलपमेंट है उसमें चाहे वो मशीनरी का यूज़ हो, चाहे वो इरीगेशन हो, चाहे फर्टिलाइजर यूज़ करके आपने प्रोडक्शन को इन्हांस किया हो, हाइब्रिड सीड्स या जेनेटिक इंजीनियरिंग इन्वॉल्व कर ली हो, तो उस हवाले से फूड रिसोर्सेज की जो ग्रोथ है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो उसमें पॉसिबिलिटीज हमें नज़र आती है। जैसे हम ब्रॉयलर को देखते हैं कि वो रैपिडली ग्रो करता है, या हम लेयर को देखते हैं कि दैट इज स्पेशलाइज्ड इन एग लेइंग, और इसी तरह से हम मैक्सी पार्क गंदम का एक वर्जन देखते हैं जो ज़्यादा प्रोडक्शन देती है, या इरी राइस है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फिलिपीन की डेवलपमेंट है राइस का सीड जो ज़्यादा राइस प्रोड्यूस करता है, जेनेटिकली इंजीनियर्ड है। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स के जो पॉसिबिलिटीज हैं जो इंसान ने अवेल की। सिंथेटिक मटेरियल्स के हवाले से हम देखें, वुड को, बहुत सारे और मिनरल्स को, मेटल्स को, प्लास्टिक्स ने जो है रिप्लेस कर लिया। नेचुरल रबर जो है, पहले वो उसका सैप यूज होता था, इंडोनेशिया और मलेशिया की एक मोनोपोली थी वर्ल्ड इकोनॉमी में रबर के हवाले से, लेकिन अब सिंथेटिक रबर्स बनते हैं और आप देखते हैं कि उसमें जो मतलब डिपेंडेंसी और नेचुरल रिसोर्सेज है वो रिलेटिवली कम हो चुकी हुई है। सो इस हवाले से पॉसिबिलिज्म में जो भी हमने फॉर द बेटरमेंट ऑफ मैनकाइंड जो जो कुछ डिवेलप किया वो सब का सब जो है वो पॉसिबिलिज्म में कंसिडर किया जाता है। सो यू कैन राइट ऑन योर ओन कि आप बहुत सारी एग्जाम्पल्स जो हैं अपनी करंट सिचुएशन और सराउंड जो आपकी लाइफ है और जो सराउंडिंग एग्जाम्पल्स हैं वो आप इस पे कोट कर सकते हैं।